सवाल नंबर एक, किस देश की करेंसी की वैल्यू भारतीय रुपए से भी कम है? दोस्तों लगभग 20 से भी ज्यादा देशों की करेंसी की वैल्यू भारतीय रुपए से भी कम है, जिनमें अल्जीरिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, कंबोडिया आदि शामिल है। सवाल नंबर दो, दुनिया में दूसरी सबसे लंबी वॉल कौन सी है? दोस्तों विश्व की सबसे लंबी दीवार द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में आप सभी जानते हैं, लेकिन दूसरी सबसे लंबी दीवार भारत में मेवाड़ की कुंभलगढ़ फोर्ट में है। सवाल नंबर तीन, एक किडनी पर इंसान कितने दिनों तक जी सकता है? दोस्तों बहुत से लोग सिर्फ एक किडनी के साथ ही पैदा होते हैं, फिर भी वे नॉर्मल लाइफ जीते हैं। एक किडनी वाले लोगों को ज्यादा वजन उठाना, कोल्ड ड्रिंक्स पीना, शराब का सेवन आदि नहीं करना चाहिए। सवाल नंबर चार, iOS का फुल फॉर्म क्या होता है? दोस्तों iOS का फुल फॉर्म iPhone ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। सवाल नंबर पाँच, भारत से अमेरिका का किराया कितना लगता है? दोस्तों ये निर्भर करेगा कि आप भारत के किस शहर से अमेरिका के कौन से शहर जाना चाहते हैं। अगर दिल्ली से न्यूयॉर्क जाना है तो कम से कम 60,000 रुपए लगेंगे और वहाँ खाना, रहना, घूमने का खर्चा एक दिन का $500 होता है। सवाल नंबर छह, भारत का अंतर्राष्ट्रीय कोड +91 ही क्यों है, दूसरा क्यों नहीं? दोस्तों इंटरनेशनल टेलीकॉम्युनिकेशन यूनियन हर राष्ट्र क्षेत्र के अनुसार एक कोड देती है। भारत का कोड +91 है क्योंकि भारत जोन 9 में आता है। जोन 9 में केंद्रीय, पश्चिमी और दक्षिण एशियाई देश आते हैं। सवाल नंबर सात, एक्स गर्लफ्रेंड और एक्स बॉयफ्रेंड में एक्स का मतलब क्या होता है? दोस्तों एक्स शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका यूज भूतपूर्व संबंध को दर्शाने के लिए किया जाता है, जैसे एक्स वाइफ, एक्स फ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स वाइफ एक्सेट्रा। सवाल नंबर आठ, अगर हम झंडू बाम खा ले तो क्या होगा? दोस्तों झंडू बाम में मिथाइल सैलिसिलेट होता है, जिसे खाने के बाद पेट में जलन और उल्टी हो सकती है। अधिक मात्रा में खाने से आंखों को नुकसान भी पहुंच सकता है। सवाल नंबर नौ, पिगी बैंक में सुअर का चित्र क्यों दिखाया जाता है? दोस्तों 15वीं शताब्दी में यूरोपीय देश में धातु महंगे होते थे, इसीलिए उस दौर में नारंगी रंग की चिकनी मिट्टी का इस्तेमाल होता था, जिसे PYGG कहते थे, यानी कि पिग कहते थे, और तब उस समय उसे पिग जार कहा जाता था और धीरे धीरे PYGG पिग का पिग होने लग गया। सवाल नंबर 10, दुनिया में किन किन चीजों में भारत नंबर वन है? दोस्तों दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म भारत के गोरखपुर में है, सबसे अधिक मोबाइल यूजर्स भारत में है, क्रिकेट में नंबर वन है भारत, सबसे ज्यादा फिल्में भी बनाने में भारत आगे है, केला, नींबू, चना उत्पादन में भी भारत आगे है। सवाल नंबर 11, नाभि में कौन सा तेल डालना चाहिए? दोस्तों नाभि में तेल डालने से गंदगी साफ हो जाती है, अगर तेल सरसों का हो तो सबसे बेहतर है। इसके अलावा आप नारियल का तेल, जोजोबा ऑयल, बादाम का तेल आदि भी लगा सकते हैं। सवाल नंबर 12, इंस्टाग्राम पर पैसे कैसे कमाते हैं? दोस्तों इंस्टाग्राम पर 5 तरीके से पैसे कमाए जा सकते हैं। पहला, किसी ब्रांडेड कंपनी के पोस्ट डालकर। दूसरा, किसी कंपनी के प्रोडक्ट्स बेचकर। तीसरा, अपना खुद का कोई प्रोडक्ट बेचकर। चौथा, खुद के फोटोज भी बेच सकते हैं। पांचवा, इंस्टाग्राम का अकाउंट बेचकर। सवाल नंबर 13, गर्मी में घमौरियां क्यों होती है? दोस्तों गर्मियों में अक्सर धूल मिट्टी और पसीने के कारण त्वचा में मौजूद मृत कोशिका और बैक्टीरिया के साथ स्वेद ग्रंथि को बंद कर देता है, जिसके कारण हमारे शरीर पर छोटे छोटे लाल दाने निकल आते हैं। सवाल नंबर 14, मोबाइल का चार्जर काला या सफेद ही क्यों होता है? दोस्तों ज्यादातर मोबाइल के चार्जर काले रंग के ही होते हैं, क्योंकि पुराने चार्जर्स में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते थे, जिसकी गर्मी को काले रंग द्वारा अवशोषित किया जाता था। गर्मी से बचाने के लिए ही अधिकतर चार्जर सफेद या काले रंग के होते हैं। सवाल नंबर 15, क्या पेट्रोल की स्मेल से हमें कोई नुकसान होता है? दोस्तों पेट्रोल की महक असल में पेट्रोल के धुएं से आती है, इसीलिए आप जब पेट्रोल डीजल ईंधनों को सूंघते हैं तो ये धुएं शरीर में रक्त प्रवाह में अवशोषित होते हैं और दिल और दिमाग सहित सभी अंगों तक पहुँचते हैं, ये स्वास्थ्य के लिए बुरा है। दोस्तों अब तक की सभी वीडियो की लिंक नीचे पिन कमेंट में दी गई है, आप वहां से देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।